सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फ्रॉड अलर्ट, सीएल के नाम से फर्जी संदेश और लिंक। यूपीएससी सिविल सेवा अंतिम परिणाम 2021 घोषित। दिल्ली की श्रुति शर्मा अव्वल। 2021 सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 3 में 3 महिलाएं, श्रुति बनी टॉप। फ्रॉड अलर्ट, सीएल के नाम से फर्जी संदेश और लिंक। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय PSJ, TBS, आसनसोल, प्ले स्मार्ट, प्ले अपिक। साइबर ठग, ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। लोगों को विभिन्न तरह के उपहार, रिचार्ज आदि जीतने का लालच देकर लिंक और संदेश शेयर कर रहे हैं। छोटे से लाभ के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। अब सेल के 50वें वर्षगांठ को अवसर बनाते हुए ठग सक्रिय हो गए हैं। इसके बाद सेल की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर सावधान रहने को कहा जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से अलग अलग फर्जी संदेश या लिंक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा व्हाट्सएप एवं विभिन्न अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ विशेष उपहार जीतने की घोषणा की गई है। यह एक फेक मैसेज है और सभी को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के किसी भी लिंक को ना खोले ना ही फॉरवर्ड करें। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वियर, मेन्स वियर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 03-41-222-1590। रेनबो बिग शॉप। आसनसोल में उपमेयर को खदेड़ना पड़ा ऑटो और टोटो को। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। आज आसनसोल नगर निगम मुख्यालय के सामने टोटो और ऑटो चालक यात्रियों को उठाने के मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ गए। मामला बहस से शुरू होकर धक्का मुक्की तक पहुंच गया। उसी वक्त नगर निगम के मेयर और विधान उपाध्याय और घोषित उप मेयर अभिजीत घटक भी नगर निगम में प्रवेश कर रहे थे। इस जाम में उनकी गाड़ियां भी जाम में फंस गई। इसके बाद INTTUC जिला अध्यक्ष घोषित उपमेयर अभिजीत घटक अपने वाहन से उतरकर घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को डांट डपट कर सबको वहां से हटाया। उन्होंने निगम के सामने ऑटो और टोटो नहीं लगाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय या शहर के किसी भी अन्य हिस्सों में टोटो और ऑटो चालक के बीच इस तरह की झड़पें हुई हों। अक्सर ऑटो और टोटो के बीच विवाद होता है। अवैध टोटो की संख्या रोज बढ़ रही है। प्रशासन से लेकर राजनेता सभी खामोश हैं। वहीं ऑटो को लेकर रूट के बाहर सैकड़ों ऑटो चलाते हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडी स्फीयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडी स्फीयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडी स्फीयर। नए डिजाइन की कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन सपना। इसराइल, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज़ वियर, बस्तीन बाजार रोड, आसनसोल। कॉल
नितलिया अंचल। भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और विरोध में रविवार को रैली निकाली गई। इस 8 नंबर विवेकानंद स्मारक के पास से होते हुए पंजाब नेशनल बैंक के पास आकर संपन्न। वर्ष 2021 के विधानसभा वोट के बाद हो रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार के विरोध रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने और लोगों का कहना है कि हमारा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक टीएमसी के गुंडे द्वारा भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद ना हो जाए। भाजपा के मल्लेश्वरी सिंह ने एसएससी परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाया है। कहा, बिना एग्जाम दिए तथा एग्जाम में बैठे लोगों को भी रिजल्ट दे दिया गया है, जबकि परीक्षा देकर पास हुए युवक युवतियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया है। इस स्थिति में राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी घेरे में आए हैं। उन्हें आलंबित गिरफ्तार करने एवं उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को चयनित करने की मांग की है। साथ ही इस तरह की दुर्नीति को रोकने की मांग की है। मौके पर संजीत बावरी, प्रेसिडेंट डब्ल्यू सिंह, मुकेश सिंह, संजय साव, कालिदास, रामू राज, अजय बावरी, इंद्रमोहन सिंह, शुभम साहू आदि उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. कांग्रेस के पंजाब, दिल्ली और अन्य जगहों पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का विरोध। पंजाब के मनसा जिले के कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने एक दिन बाद सोमवार को दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सदन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने इस हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है और सवाल किया है कि मूसेवाला की सुरक्षा क्यों कम कर दी गई, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने और सहमति व्यक्त की, तब प्रदर्शन हुए। हत्या की अब तक राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला 28 गायक और कांग्रेस नेता की हत्या पंजाब के मनसा जिले में की गई थी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तीन बाजार आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। यूपीएससी सिविल सेवा अंतिम परिणाम 2021 घोषित। दिल्ली की श्रुति शर्मा अव्वल। 2021 सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 3 में 3 महिलाएं, श्रुति बनी टॉप। आयोग ने कहा है श्रुति शर्मा ने परीक्षा में टॉप किया। अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंगला ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। श्रुति सेंट स्टीफन्स कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं और यूपीएससी सिविल की तैयारी कर रही हैं। परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी साझा किए बिना 685 उम्मीदवारों ने प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की।
आयोग ने कहा कि सफल उम्मीदवारों में से 244 सामान्य वर्ग से, 73 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से, 203 अन्य पिछड़ा वर्ग से और 105 अनुसूचित जाति और 60 अनुसूचित जनजाति से हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों का चयन करने के लिए UPSC द्वारा हर साल सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों, प्रारंभिक, मुख्य और हस्ताक्षर में आयोजित की जाती है। परीक्षा का लिखित या मुख्य भाग जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था और हस्ताक्षर इस साल अप्रैल और मई में आयोजित किए गए थे। 80 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अंतिम है, जबकि एक उम्मीदवार का परिणाम रोक दिया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के, सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। उत्तर रेलवे में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन। आसनसोल उत्तर रेलवे नेटवर्क में चल रहे कुछ संरक्षा अभ्यास के कारण कटघर स्टेशन पर दिनांक 1/6/2022 को ट्रैफिक ब्लॉक की योजना बनाई गई है। परिणाम स्वरूप 1/2/3/2/7 हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस 31/5/2022 को शुरू होने वाली यात्रा को बरेली रामपुर मुरादाबाद के बजाय बरेली चंदौसी जंक्शन मुरादाबाद होकर चलेगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए अत्यंत खेद है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरियर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घागरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घागरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर पश्चिम बावड़ी जाति विकास संघ के बाराबनी के दोहानी ग्राम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। आइए सुनते हैं ऑर्गेनाइजर क्या कहते हैं। পশ্চিমবঙ্গ বাউরী জাতি বিকাশ সংঘ থেকে দোমানি গ্রাম ঠান্ডারপাড়ার সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দিলেন আজ? দেখুন, আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাউরী জাতি বিকাশ সংঘ, আমরা বলছি 2009 সাল থেকে বারাবনী ব্লক থেকে প্রথম আমরা উত্থান শুরু হয়েছিল, কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা একটু ফাঁকা ছিল। বারাবনী ব্লকের বারাবনী পঞ্চায়েতের, এই দোমানি পঞ্চায়েতের আমাদের এই ঠান্ডারপাড়াতে আজকে আমরা বসলাম। খুবই আনন্দিত, মানুষজন অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা শুধু একটাই বার্তা দিলাম যে সচেতনতা, শিক্ষা সচেতনতা, অর্থাৎ যে অশিক্ষার অন্ধকারে বাউরি জনগোষ্ঠীর মানুষ এখনো পর্যন্ত রয়েছে, সচেতনতার অভাব। আমরা স্কুলে ঠিকমতো পাঠাতে পারছি না, আমাদেরকে স্কুল কলেজে অ্যাপিল করতে পারছি না, বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও আমাদের যে কম বয়সী 18 বছরের নিচে মেয়েদেরকে আমরা বিয়েটা দিয়ে দিচ্ছি, সেইগুলো আমাদের মূলত যারা ধান্দাপাড়া মানুষজন এসেছিলেন সেগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আর পশ্চিমবঙ্গে আমরা যে বিভিন্ন জেলায় পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশ সংঘ আন্দোলন করছি শিক্ষা সচেতনতা আত্মসম্মানের লক্ষ্য নিয়ে, পরে সেই জায়গায় ধান্দাপাড়াটা আমাদের বারাবনী ব্লকের মধ্যে, দোমানি পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি আমাদের ধান্দাপাড়া চলে আসে, 60-62টা আমাদের ফ্যামিলি রয়েছে, তারা যদি চলে আসে, আমার মনে হয় আমাদের বারাবনী ব্লক কমিটিটা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সুন্দরভাবে আমরা চারিদিকে বাউরি জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য, বিকাশের জন্য যে কাজগুলো আমরা করতে পারছি সেটা খুব সহজে আমরা করতে পারবো। এটাই আমাদের বার্তা। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী বরুণ বাউরি, আমি বারাবনী ব্লক তথা বারাবনী ব্লকে আমার ভূমিপুত্র এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশ সংঘের আমি রাজ্য কোঅর্ডিনেটর। খবরও খেলিয়ে বনে রইয়ে
हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर चार है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एस बी गवाई रोड में। बंडपुर में 80 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन। बंडपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार, आसनसोल नगर निगम द्वारा कालाझरिया पंप हाउस में 2 फिल्टर बेड तथा कालाझरिया शमशान घाट में नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया गया। इस दोनों योजनाओं पर करीब 80 लाख रुपए का खर्च किया गया है। दोनों विकास कार्यों का उद्घाटन आसनसोल के मेयर सह बाराबानी विधायक विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल नगर निगम के घोषित उपमेयर सह INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, घोषित उपमेयर वशीमुल हक ने किया। इस मौके पर पार्षद दिलीप ओरांग, सहायक अभियंता सुभाषिस चटर्जी, सूरत रॉय आदि उपस्थित थे। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा, यह दोनों फिल्टर बेड पर करीब 50 लाख राशि खर्च किया गया है। इस प्रकल्प से आसनसोल के पुराने 50 वार्डों में नागरिकों को और ज़्यादा पानी मिलेगा। 2023 को समस्त नगर निगम क्षेत्र में घर घर पानी नगर निगम पहुंचाएगा। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। वहीं कालाझरिया दामोदर नदी के किनारे शमशान घाट के नवनिर्मित सेत का उद्घाटन किया गया। इस पर करीब 28 लाख खर्च किया गया है। बंडपुर एवं आसपास के लोगों को काफ़ी दिनों से मांग थी कि शमशान के सेड का निर्माण कराया जाए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8-10, क्लास 11-12, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, RAIL, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. सरकार की सूचना शाखा के आधार कॉपी साझा करने के खिलाफ चेतावनी। अपने आधार की एक प्रति दूसरे के साथ साझा करना सुरक्षित नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने 27 मई को एक प्रेस नोट में कहा, 48 घंटे से भी कम समय के बाद PIB ने अब एक बयान जारी कर पहले के एक नोट को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। PIB सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। रविवार को अपने प्रेस नोट में PIB ने कहा कि 27 मई 2022 का बयान बेंगलुरु में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक फोटोशॉट आधार कार्ड के दुरुपयोग के प्रयास के संदर्भ में जारी किया गया था। UIDAI की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर 2021 तक प्राधिकरण ने भारत के निवासियों को 131.68 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए। विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पसंदीदा KYC दस्तावेज के अलावा पासपोर्ट आवेदन या नवीनीकरण, पेंशन पुनः प्राप्ति और भविष्य निधि निकासी अन्य सेवाओं के साथ 12 अंकों वाला अद्वितीय नंबर अनिवार्य है।
यह अधिसूचना केवल अतीत में कही गई बातों की पुनरावृत्ति है। इसे फिर से याद दिलाया जा रहा है क्योंकि आधार के दुरुपयोग की खबरें आई हैं। लोग इसे बहुत लापरवाही से लेते हैं और बस अपना आधार किसी के साथ साझा करते हैं। यह नोटिस केवल एक अनुस्मारक है। आधार को सभी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकरण मंत्रालय के एक अधिकारिक ने कहा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय डी के लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। सतग्राम क्षेत्र में इस कोलेरी के प्रबंधन के खिलाफ यूनियन और सभी कार्यकर्ताओं ने सोमवार के दिन सतग्राम इन लाइन नीमडांगा परियोजना सतग्राम क्षेत्र में इस कोलेरी के प्रबंधन के खिलाफ यूनियन और सभी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार सुबह एटक के झंडे तले कोलेरी में काम करने वाले विष्णुदेव नोनिया को 2004 में SLP ECL में सर्विस रिलेटेड प्रमोशन नहीं मिला। उन्होंने कई बार ECL प्रबंधन को सूचित किया और अब तक पैसे वापस ले चुके हैं। अब इसके बाद एटक समेत सभी कर्मचारियों ने सोमवार सुबह प्रबंधन कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस बात की जानकारी देते हुए जय किशन मिश्रा ने कहा है, हमारे कार्यकर्ताओं में एक विष्णुदेव नोनिया है, उनके दुख में जन्य आज सुबह से ही उनके खिलाफ धरना पर बैठी हैं। अगर इन 3 दिनों के भीतर प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिन ECL कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा के लिए 40,000 रुपये की कटौती की, उनके पास इसके लिए कोई कटौती है। लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर सुनील कुमार डे, लिंगराज प्रधान, श्रवण सिंह, आलमगीर मिर्जा गालिब, विष्णुदेव नौनिया, भगवान भट्ट आदि उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800258-7060। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। नेवर बी अशेम अबाउट बीइंग ब्रोकन बिकॉज स्ट्रेंथ इज नथिंग बट पेन दैट्स बीइंग रिप्रेड। कभी भी शर्मिंदा ना हो, टूटा जा रहा है क्योंकि ताकत और कुछ नहीं, दर्द जिसे ठीक कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।